हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेरोटोनिन द हैप्पीनेस हार्मोन के बारे में। फ्रेंड्स, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक केमिकल, बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल। ये हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है, हमें खुशी का एहसास दिलाता है, इसीलिए सेरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन बोला जाता है। वैसे ये हार्मोन नहीं है, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन साधारण भाषा में समझाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में एक केमिकल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो दो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में वो आपस में फिजिकली जुड़े हुए नहीं रहते, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो हर न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फंक्शंस में पार्ट लेता है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है जिसकी वजह से हम इसे हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, वो ये है कि ये हमारे खुशी के एहसास के लिए ज़रूरी है। इसके हाई लेवल से हम हैप्पी फील करते हैं, एंड जैसे ही सेरोटोनिन का लो लेवल होता है तो पर्सन डिप्रेस हो जाता है। सो डिप्रेशन के पेशेंट्स में सेरोटोनिन लेवल बहुत लो होता है, इसीलिए व्यक्ति किसी भी चीज़ में खुश नहीं हो पाता, हमेशा उसका मन उदास रहता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हमारी खुशी किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले एक छोटे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर पर बेस्ड है। आज हम इस वीडियो में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि हम हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में इस न्यूरोट्रांसमीटर, इस मैजिकल न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के लेवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिसे हम ऑल द टाइम हैप्पी फील करें, खुश रहें और डिप्रेशन हमसे बिल्कुल दूर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फंक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका नाम है हैप्पीनेस हार्मोन, तो ये हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा जो हमें खुशी का एहसास होता है ये हमारे ब्रेन से होता है, और ब्रेन में ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इस चीज़ को डिसाइड करता है कि हम खुश रहेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ कि ये हमारी खुशी को, हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है। इसके हाई लेवल से पर्सन ऑल द टाइम हैप्पी फील करता है, पॉजिटिव फील करता है, उसकी वेल बीइंग एंड मोटिवेटेड फील करता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए डिप्रेस पर्सन खुश नहीं हो पाता है, हमेशा वो उदास रहता है, और जो अच्छे काम हैं, जो खुशी देने वाली चीज़ें हैं, उनमें भी वो पर्सन बेमना सा रहता है, वो चीज़ें उसे वो खुशी नहीं देती हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ये लेवल, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सेरोटोनिन हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। हमें सोने के लिए हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन चाहिए। सेरोटोनिन मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, एंड मेलाटोनिन से हमारा स्लीप साइकिल रेगुलेट होता है। तो जिन व्यक्तियों को नींद की परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, या जो साउंड स्लीप नहीं सो पाते हैं, उन पर्सन में लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन ही उनकी इस स्लीप डिस्टर्बेंस का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी साउंड स्लीप हो, तो हमारे लिए हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपको पता है लोगों को गुस्सा क्यों आता है? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या वॉयलेंट क्यों होते हैं वो लोग? बात बात में चीखते चिल्लाते क्यों हैं? सेरोटोनिन के लो लेवल की वजह से। जिन पर्सन में सेरोटोनिन लेवल लो होता है, उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो एंगर मैनेजमेंट एंड मूड मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है या अप्लाई करना है, और अगर आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और आप चाहते हैं कि इसकी वजह से जो आपकी परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो सिर्फ अपने सेरोटोनिन लेवल को इनक्रीज़ करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, तो है ना अच्छी बात। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़, सेरोटोनिन हमारी भूख को, एपेटाइट को कंट्रोल करता है।
जब हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन हमारी बॉडी में होता है तो हम ग्रेटिफाइड फील करते हैं, वी फील सेटिस्फाइड, ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं लग रही है। आपने देखा भी होगा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करता, ज़्यादातर तब खाने का मन करता है जब हम डिप्रेस फील करते हैं, कंफर्ट ईटिंग जिसे कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है, वो इसीलिए नहीं लगती। इसके अलावा सेरोटोनिन हमारी सेक्सुअल ड्राइव को भी अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, जब बॉडी में लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन होता है तो सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो जाती है, एंड जैसे ही हमारा हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन होगा हमारी सेक्सुअल ड्राइव्स रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पर्सन वैसे ही बहुत हैप्पी एंड प्लीजेंट फील कर रहा है, नो मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सो सेक्सुअल ड्राइव रिड्यूस होती है। सेरोटोनिन हमारी मेमोरी एंड लर्निंग को भी इम्प्रूव करता है। जो एक मेमोरी डिसऑर्डर है, आपने नाम सुना होगा, अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स के पेशेंट में सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है तो याददाश्त में कमी हो जाती है। हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा सेरोटोनिन ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो ये थे सेरोटोनिन के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो देखा आपने सेरोटोनिन हमारे लिए कितना कमाल का न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि ये हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है, हमारी एपेटाइट एंड स्लीप रेगुलेशन, मेमोरी, वेलबींग सबको डिसाइड करता है, हमारे एंगर को कंट्रोल करता है, हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कैसे इंक्रीज रहे। और अगर लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन की वजह से आप भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो एक आसान सा तरीका है कि आप अपने बॉडी के सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करके इसके फ़ायदे फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेरोटोनिन इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हमें बार बार बताया जाता है कि एक्सरसाइज करना क्यों हमारी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं रिग्रेस एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी में नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा भी होगा जो लोग मेहनतकश होते हैं, वो मेहनत जब करते हैं पूरे दिन सुबह से शाम तक, थके हुए होते हैं लेकिन वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ऐसे ही अगर आप जिम में जाके देखें, जो लोग बहुत देर से वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थके हुए होंगे बेशक लेकिन वो हैप्पी मूड में होते हैं। आप भी अगर एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप भी 40 मिनट्स के बाद में, जब आप एक्सरसाइज करते हुए आपको 40 मिनट्स हो जाए तो आप इस एक सीक्रेट को एक्सपीरियंस करिए, डेली आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी में हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन की वजह से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को फील करेंगे। क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद की परेशानी नहीं होती, उनको भूख की परेशानी नहीं होती है, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो लोग बहुत प्लीजेंट मूड में रहते हैं। एक्सरसाइज के अलावा जब हम योगा एंड मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है। इसके अलावा अगर हम बॉडी मसाज लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा मसाज कराने से हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये जो अच्छा लगता है, ये जो खुशी है, ये हमारे इस न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की वजह से है। अलावा एक और जो तरीका है जिससे हम हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं वो है प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर। हम देख ही रहे हैं कि हमारे चारों तरफ डिप्रेशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर काम करते हैं कमरों में बैठकर, एसी में बैठकर, खिड़कियां बंद करके, उससे हम क्या करते हैं सर, जो प्रॉपर जितनी हमको सफिशेंट सनलाइट होती है वो नहीं मिल पाती है। हमारी बॉडी में सनलाइट के थ्रू विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, एंड विटामिन डी सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सेरोटोनिन के लिए हमें विटामिन डी चाहिए, एंड विटामिन डी का कोई भी सोर्स नहीं है इससे अच्छा कि सनलाइट लें आप। तो सनलाइट लेने से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन होगा और आप अच्छा फील करेंगे। और इसका यही रीज़न है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता है इसलिए डिप्रेशन के केसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एक और तरीका है जिससे भी हम हमारे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं वो है फूड। एक केमिकल है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स लेने से
सेरोटोनिन लेवल अपने आप इंक्रीज जाता है। तो किन किन चीज़ों में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल है, मिल्क, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, नट्स, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें ट्रिप्टोफैन रिच हैं, इसके थ्रू सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, हमारी खुशी के लिए, अच्छी नींद के लिए, एपेटाइट के लिए और हमारे मूड के लिए सेरोटोनिन इज द सीक्रेट केमिकल, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। आई होप आपने आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो आप भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज सभी के साथ शेयर करिए, बताइए सबको कि खुशी का एहसास हमें हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले इस एक केमिकल से होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।